नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवाला एजुटेक में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की जो डेट है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है, यानी कि परीक्षा तैयारी के लिए बोर्ड को मिला 21 दिन का यहाँ पे अतिरिक्त समय दिया गया छात्रों को। बोर्ड परीक्षाओं की तिथि किसकी, जल्द जारी होगा नया टाइम टेबल। जो आपका टाइम टेबल है, डेट शीट है, जल्द जारी होगा, यानी कि इसी वीक में जारी होने की संभावना है। प्रैक्टिकल तैयारियों के लिए विद्यार्थियों को यहाँ पे समय मिलने वाला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होंगी। बोर्ड की पूर्व में बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होनी थी। नई तिथि की घोषणा के बाद बोर्ड प्रशासन नई सिरे से परीक्षा कार्यक्रम तय करने से जुट गया। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी के अनुसार नया टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जाएगा। प्रश्न पत्रों की तैयारी, गोपनीय केंद्रों तक पहुंचने की प्रक्रिया पे समीक्षा व उच्च स्तरीय निर्देश देकर परीक्षा प्रक्रिया को अंतिम रूप यहाँ पे दिया जाएगा। विद्यार्थियों को यहाँ पे मिलेगा समय, यानी कि 21 दिन को आपका समय मिल चुका है। और हमने लगातार मांग उठाई थी कि विद्यार्थियों को यहाँ पे समय मिलना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षा आप दे सकते हैं, यहाँ पे 28 फरवरी तक चलेगी। और जो स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं उनकी चलेगी प्रायोगिक परीक्षा 21 से 28 फरवरी के मध्य चलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, 1 सप्ताह के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध की दी जाएगी, यानी कि इसकी सूचना है आपको 1 सप्ताह पहले मिल जाएगी। यानी आप जो प्रैक्टिकल जो एग्जाम है आपके, वो यहाँ पे सूचना मिलने वाली है। जैसे सूचना आएगी कि कौन कौन से के कब होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम, ये आपको बताया जाएगा। अनुमानित विद्यार्थी देख सकते हैं, 10वीं में 12 लाख से हैं और 12वीं में 8 लाख विद्यार्थी यहाँ पे हैं। और जैसे टाइम टेबल जारी होगा तो आपको ले इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। इन कार्यों के लिए मिला समय, विद्यालय के सत्रांग मंगवाने के पर्याप्त समय मिल सकेगा। विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, यस। विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल अंक भी बोर्ड के को समय मिल सकता है। परीक्षा केंद्रों के नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। संवेदनशील अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के निर्देश दिए जा सकेंगे। परीक्षा केंद्रों तक की निगरानी के पुख्ता व्यवस्था के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आवेदन पत्रों की जांच में कमी को सुधार जाएगा। रोल नंबर अपलोडिंग में कमी पूर्ति सुधारी जाएगी। प्रवेश पत्र आदि में संभावित त्रुटि सुधारी जा सकेंगी। यानी कि जो आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी जल्द जारी होंगे एग्जाम से पहले। और जो टाइम टेबल है वो आपका इसी सप्ताह में जारी होने की संभावना है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है कि आपके एग्ज़ाम है वो 24 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो तैयारी के अंदर लग जाओ और पेपर आपको कंप्लीट, आपको पेपर मैं बोल रहा हूँ कि पेपर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो विद्यार्थी ज़रूर देखें, मैंने हिंदी का पेपर डाल दिया 10वीं का, अब 12वीं का डालूँगा। एक पेपर डेली आपको मिलेंगे 10वीं और 12वीं के। तो वीडियो को ज़रूर देखें, पेपरों को कंप्लीट देखें। ऐसा ही आपको मॉडल पेपर है, ये 2022 वाले जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर हैं उनको ज़रूर देखें। आपकी कौन सा सिलेबस कौन से तरीके से आने वाला है, कौन सा पेपर, तो अब पेपर पैटर्न आप समझ गए ना, तो आप परीक्षा में ऑटोमेटिक ही पास हो सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू।